शहर, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, पार्क, दुकानें और इनके निर्माण के लिए जंगलों की कटाई और फिर मकानों का निर्माण। मनुष्यों ने अपने लिए जगह तो बना ली, पर उनकी जगह छिन गई जिनका ये जंगल ही एकमात्र बसेरा था। कुछ खामोश, कुछ परेशान और कुछ अपने आकार प्रकार के कारण खुद के लिए थोड़ी सी जगह की दरकार। अपनी लचीली बनावट और विषधर प्रवृत्ति होने के कारण मनुष्य इन्हें सदा से ही मृत्यु के पर्याय मानते रहे हैं। प्रकृति के इस खौफजदा जीव के प्रति जहां आम लोगों की धारणा नकारात्मक है, वहीं अगर इस जीव के प्रति हम सहानुभूति और अपनेपन का भाव रखने की कोशिश करें तो इस विषदम से भी हमारी दूरियां खत्म हो सकती हैं। अपने यहाँ लोग बाग इसके बारे में जान रही हैं। सांपों के बारे में ये सोचें आप कि कौन सा जहरीला है और कौन सा साधारण है। सांपों से अपनी ये क्या फायदे हैं? बस गलत फहमी है, लोग बाग इन सांपों को मार देते हैं। कहीं भी कभी भी लोगों का सामना इस जीव से होता है तो लोगों का डर इन्हें मौत का शिकार बना देता है। हम शायद ये भूल जाते हैं कि इस जीव को भी उसी परमात्मा ने जीवन दान दिया है जिसकी काया से हम भी सांसें लेते हैं। इसलिए ये हमारे शत्रु नहीं बल्कि हमारे अच्छे दोस्त हैं। सर्प जिसे भगवान शंकर ने धारण कर रखा है वो इस बात का प्रतीक है कि इस अनोखे जीव से तिरस्कार की नहीं प्रेम की भावना रखी जाए। जटा टवी कलह जलह प्रवाह पावितस्थले कले वताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 वनीट नाड वट मरवयम चकार चंद टांडवम तनो तुना शिवा शिवम। इस विषधारी जीव के प्रति लोगों का जो डर है वो केवल और केवल इसके विषधारी होने के कारण ही है। डर इसलिए क्योंकि हम जानते नहीं, पहचानते नहीं कि आखिर इस खामोश एकाकी जीव की सच्चाई क्या है। हम चल पड़े हैं अपने एक दोस्त को बचाने, अभी उसे बचाना सबसे बड़ी सच्चाई है। यह हमारे लिए रोमांचक होगा अगर हम उन्हें बचाने में कामयाब हो गए। दो सांप है और आपस में जुड़ जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे कोई लहराते हैं और धूम पे खड़े हो जाते हैं। तेज और तेज, हमें और जल्दी जाना होगा। हाँ, उसे बचाना होगा। वो 8-10 दिन में निकल जाता है मगर वो क्रॉस के लिए निकल रहा है। अपने क्रॉस करता है और पब्लिक हाई हवा मचाती है, वो बेचारा कुछ नहीं कर पाता है, फिर दब के अंदर घुस जाता है। हाँ, शायद वह यही कहीं दिखाई दिया है, हम यही उसका इंतजार करेंगे। हाँ, वो दिखाई दे रहा है, अद्भुत। यह अपने साथी के साथ है। ओह, हम इनके प्यार के बीच नहीं आएंगे। हाँ, बिल्कुल नहीं। सहवास के दिनों में ये अक्सर जोड़े में पाए जाते हैं। अप्रैल से जून तक ये ज्यादातर बाहर दिखाई नहीं देते और आज इनके इस प्यार का एक नजारा हमने यहाँ अपनी आंखों से भी देखा है। वशधारी सांपों के सर के पास इनके आंखों के ठीक नीचे हल्के पीले रंग की थैली या ग्रंथि मौजूद होती है। दो लीड ट्यूब्स इन ग्रंथियों के मुख से निकला होता है। अपना ये ईश्वरीय वरदान अपने भोजन के लिए और आत्मरक्षा के लिए करते हैं। यूं तो ये सांप अपना शिकार इन विषों के इस्तेमाल से करते हैं, लेकिन एक आम आदमी के ऊपर ये विष अन्य जीवों की अपेक्षा देर से असर करता है। आम जीवन में जिन सांपों से हमारा सामना होता है वे इतने खतरनाक नहीं होते जितने पाल रखी हैं। आप देख रहे हैं, ये है मट्टी का अंधा सांप, ये आपको बता रहा है। ये है कोबरे का बच्चा जो लोग बाग इसे पदम प्रजाति कहते हैं। पदम प्रजाति कोई नहीं होती, काले सांप के बच्चे जो 5 फीट करीब अंडे से निकलते ही हुए, जैसे अंडे निकलते हैं 5 फीट के, उनके ऊपर बाकायदे जैसे कोबरे के मोनू होता है वो मोनू इनके ऊपर होता है, ये आप देखें। और एक ये अंधा सांप आपको दिखा रहे हैं, जबकि ये मट्टी का अंधा सांप है, ये कोबरे का बच्चा नहीं है। जो लोग बाग गलत फहमी के अंदर इसे देखते हैं, जो स्प्रीड होती है, तो उसके बारे में कहते हैं कोबरे का बच्चा। तो आप लोगों को ये बताना चाहते हैं
ये मट्टी का अंधा सांप है, ये है कोबरे का बच्चा, इसे आप पिछाने सांपों को। इस बार फिर हमारा एक दोस्त लोगों के सामने दिखाई दिया है, शायद इस बार हम उसे बचा पाएं। हाँ, हम उसे बचा पाएंगे। हमने अंदर जाते हुए देखा है, गोदरेज के पीछे कहीं घुसा है। हम पहुंच चुके हैं वहां जहां वो मौजूद है। हाँ, इसी बस्ती में, इसी घर में वो दिखाई दिया है। शायद वो छिप गया है, हम कोशिश करेंगे। हाँ, यही है वो दिखाई देने वाला है। हाँ, वो दीवारों के पीछे छिपा है। ओह, हम इसे बचा लिया। ये आप देख रहे हैं, ये है कोबरा नागिन, अपने इंडिया का सबसे जहरीला सांप है। अभी ये एक घंटे से है आपके यहाँ, कभी ऐसा होता आपको नुकसान पहुंचाया? क्योंकि ये खुद डरा हुआ है, ये चूहे के पीछे आया था और आके एक कोने में बैठ गया। इसे आप छेड़ाछाड़ी करते तो अपने बचाओ में नुकसान पहुंचा। चलो दोस्त, हमने तुम्हें वहां से तो बचा लिया, पर तुम्हें तुम्हारी दुनिया तक पहुंचाएंगे, ये मेरा वादा है। हम मानने नहीं जाते इसको, सांप को हमारे मानने में कोई वो नहीं है, दिलचस्पी हमारा बहुत धर्म रहता है, इसको पाप पड़ता है मानने का। हम मारते नहीं है, अभी नाली में से बुला के उनको पकड़वा दिए हमने। हम चल पड़े हैं बुद्धनी के जंगलों में। हमारे इन दोस्तों की दुनिया इन्हीं जंगलों में है, इनका अपना बसेरा यही है इन जंगलों में। हमारे बंद कमरों से बेहतर इनकी ये दुनिया है। हमने इनकी इसी दुनिया में सेंध लगाने की कोशिश की है, पर हम भूल गए कि अपना एक साथी और भी है, जिसकी अपनी एक आजाद दुनिया है, जिसका अपना भी देश है, उसका अपना स्वदेश। अलविदा दोस्त, तुम फिर उनके बीच न आना जिन्होंने तुम्हारी जगह छीनने की कोशिश की है। तुम यहीं आजाद अपनी दुनिया में रहो। अच्छा, अलविदा।